अले ले 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 ले, स्वागत है दोस्तों सुमित गुप्ता गेमिंग में। सिमुलेशन ऑफ कैंपर का नया पार्ट है और द अपोनेंट है द नोचरियस। सार्ज लिया है उसने, मैंने लिंक चाचा से शुरुआत किया है। लेवल 11 का प्लेयर है। राउंड 1, नो चीयर्स फॉर यू। बिल्कुल मेरा बस चले तो यही असली में फेंक के मारूं। फाइट। अभी माता मोड पे दोस्तों, पिछवाड़ा मोड बहुत जल्दी एक्टिवेट होगा। ये देखिए मेरे बोलने के साथ ही एक्टिवेट हो गया दोस्तों, अब सर्कस मोड चालू है। ये देखिए शैडो मूव बउआ का फुल है, लेकिन बउआ पता नहीं किस ख्याल में खोया हुआ है। शायद रगड़ना और कैंप, मेरे ख्याल से सर्कस करना ये अभी उसका जहन में चल रहा होगा। ये देखिए शायद मेरे शैडो मूव यूज करने का इंतजार कर रहा था। इस बार शैडो लंच कनेक्ट हुआ दोस्तों। अले ले 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 ले, बउआ की फाइटिंग बोल रहा है। क्यों बउआ क्यों बोल रहा है? और यहाँ पे सार्ज को खत्म कर दिया मैंने दोस्तों। थोड़ा सा कीबो इमोट कर दे रहा हूँ, नहला दे रहा हूँ कीबो इमोट से। उप्स की बारिश में लास्ट में करूंगा। अगला उसका लिंग है। उसका लिंग बीच वाला है, समझदार को इशारा काफी है। ये देखिए दोस्तों बहुत सियाना कैंपर है दोस्तों, सब जानता है कि फ्लास्क प्रो से जैसे ही जूस निकालूं वैसे ही जंप किक कर दे डायगोनल वाला, कनेक्ट भी हो जाएगा। ये देखिए कैसे सडन ट्रिक को मिस किया है, सब जानता है ये लोग, स्मार्ट कैंपर्स है। देखिए टाइमिंग का कैसे फ़ायदा उठाया है। अब कल बहुत कोई मुझे बोलेंगे कि ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है, इसने बहुत अच्छा खेला है, ये कैंपिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये नाच रहे हैं दोस्तों, ट्रेडमिल में चल रहे हैं। शेडो फाइटर इना हमारे पार्क में आए हुए हैं। ये देखिए अभी जोश आ गया तो जंप किक, सॉरी हैवी किक किया है। यहाँ पे ग्रैब करने का उसे मौका दे दिया मैं। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, नाचना नागिन डांस। उसका शैडो मूव कनेक्ट हो गया और लगता है मेरा लिंक चाचा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है दोस्तों, लेकिन जाते जाते परफेक्ट बैलेंस का नशा चढ़ा दिया उसे। थोड़ा सा जड़ी बूटी उसे पिला के छोड़ दिया हूँ। एक बार फ्लास्क थ्रो करके देखते हैं। और मिस हो गया मैं और मेरा लिंक चाचा शहीद हो गया दोस्तों। कोई बात नहीं, उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। जैक बुलवार को लाते हैं। फाइट। और यहां पे लिंक खत्म हो गए दोस्तों, होशियारी में पार हो गए हैं। परफेक्ट है राउंड। अगला उसका आयरन क्लैड है। राउंड 4 फाइट। ये देखिए दोस्तों पार्क में घूम रहे हैं। उसके बाद सर्कस मोड कर चालू है उसका। आता कुछ नहीं है इसे, सर्कस मोड करना है, पिछवाड़ा रगड़ना है। बेसिक अटैक कनेक्ट हुआ बुलवार का, अप अटैक भी। ये देखिए दोस्तों स्मार्ट कैंपर्स, डॉच कर लिया इसने।
इस बार हैवी पड़ेगा दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त हैवी पड़ा है, घुसा दिया हूँ मैंने हैवी उसके अंदर। ये देखिए फोर्ट्रेस ऑफ द लीजेंड ने मुझे सेव कर दिया। एक बार और अप अटैक और यहाँ मेरा बुलवर्क शहीद हो गया है। कोई बात नहीं, हमारे होंगजू जी आएंगे, ट्रायंफ घुसाएंगे। पूरे आयरन क्लैड के गेम प्ले में बस इसने यही किया है दोस्तों, पीछे जा रहा है, सर्कस कर रहा है और फिर सुपरमैन पंच कर रहा है और कुछ नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, कुछ इसको नहीं आता है कैंपिंग करने के अलावा, खाली बटन स्मैश करते हैं। उप्स की बारिश कर दे रहा हूँ मैं, नहा लेगा वो, अपने तरफ से भी कर रहा है दोस्तों, शायद उसे मेरा उप्स का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं लगा होगा इसलिए खुद से उप्स कर रहा है। दूसरा अपोनेंट की तरफ चलते हैं, वो है किंग यसर, ये तो उससे भी बड़ा कैंपर है दोस्तों। युक्का रखा है उसने, होंगजू का टैलेंट आप लोग देख लीजिए, इंकोर है साथ में साइड ब्लाइंड इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल इफेक्ट, मैंने भी होंगजू ही चुना है, उसने भी होंगजू चुना है। फाइट, अगर आप लोग देखते हैं स्पेशल इफेक्ट तो समझ जाइए उसका प्लेइंग स्टाइल क्या होगा दोस्तों। ये देखिए उसका ट्रायम्प चार्ज है, वो वेट करेगा फायर क्रैकर का, इस बार तो नहीं किया है। एक्रोबैट सीक्रेट भी इसने लिया है दोस्तों, अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग। बाकी जितने भी होंगजू प्लेयर्स हैं जो कैंपिंग करते हैं वो फायर क्रैकर का तभी इस्तेमाल करेंगे जब उनको ट्रायम्प यूज़ करना होगा। ये देखिए कुछ नहीं किया उसने, फायर क्रैकर डाउन अटैक ग्रैब, थैंक्स कर दिया उसे कॉन्टेंट देने के लिए, अच्छे कैंपर्स आजकल मिलते नहीं है मुझे। देख लीजिए दोस्तों, हाँ होंगजू का जो हेल्थ है मेरा 5500 है, बचा है सिर्फ 1000, और उसका हेल्थ देख लीजिए 3600 है, बचा है अभी भी 2300, अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए साइड स्पेशल इफेक्ट और कुछ भी नहीं किया इसने, देख लीजिए रगड़ रहे हैं पिछवाड़ा, इंतज़ार कर रहे हैं कब मैं अटैक बंद करूं और वो अटैक चालू करे, और मेरा होंगजू देखिए हार गया दोस्तों। कोई बात नहीं, हेलगर आने से ही इसको हराएंगे दोस्तों, इसकी सारी हेकड़ी निकालेंगे हम लोग हेलगर से। ब्लेस्ड बाय लाइट, हेलगर करेगी फाइट। ये देखिए दोस्तों रगड़ना चालू हो गया है, इनको डॉज करना भी आता है। एक समय शेंग युक्का ये सब फेवरेट था कैंपर्स का दोस्तों, मिडनाइट भी, हालांकि आजकल होंगजू सबसे ज़्यादा फेवरेट है ये लोग का। होंगजू फेवरेट होने का दूसरा रीज़न भी है दोस्तों, एक तो वो शेडो डैमेज से डील नहीं करता है, आई मीन शेडो अटैक्स, शेडो एनर्जी स्पेशल है उसके पास ट्रायम, प्लस आजकल जो स्पेशल इफेक्ट है वो कमांडर प्रेस से भी खतरनाक हो गया है। ये देखिए ब्लाइंड इफेक्ट कम से कम 3-4 सेकंड के लिए आपको होल्ड कर देता है, और ये देखिए ट्रायम एक्रोबैट सीक्रेट भी काफ़ी अच्छा हेल्थ जनरेट कर देता है दोस्तों। ये देखिए कुछ नहीं, सिर्फ हैवी अटैक, ये देखिए स्पेशल इफेक्ट, कुछ भी नहीं, बस इसी तरह गेम चल रहा है दोस्तों आजकल। और यहाँ पे ये होंगजू ख़त्म है दोस्तों, उप्स कर देता हूँ शुरू से ही, इसे थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया इसका, साफ कर देता हूँ। देखिए प्राउड कैंपर है दोस्तों, कितना खुश हो रहा है लिंग इमोट दिखा के। ये सब शैडो फाइट एरिना के प्राउड कैंपर्स है, कुछ लोगों का इन जैसों को बहुत सपोर्ट है दोस्तों, जो इस टाइप की गेम प्ले को सपोर्ट करते हैं। ब्लेस्ड बाय लाइट फाइट, शाइनिंग डैश कनेक्ट हुआ दोस्तों, सब पता है हैवी से कैसे बचना है, सेड को छोड़ दो, उसको पट्टे से खोल दो। ये देखो सब पता है इन लोगों को, 2-4 वाउंड्स क्रिएट करो, शेड को छोड़ दो पट्टे खोल के, उसके बाद जिलेटिन जो है अपना फायदा खुद कर देगी, और ऐसे ही अपोनेंट के सारे हेल्थ खा जाओ। ये देखिए दोस्तों हेलगा आफ्टर लाइफ में बहुत जल्द, और चफौज भी गई है, कोई बात नहीं इसी आफ्टर लाइफ में इसको ख़त्म करेंगे, बिल्कुल ख़त्म कर दिया दोस्तों। उप्स की बारिश भी कर देता हूँ, फर्स्ट राउंड से शुरू किया हूँ, उसे इसमें नहाना बहुत पसंद है, अगला उसका आयरन क्लैड है,
बहुत ही विचित्र टैलेंट के साथ गया है दोस्तों, एड्रीनालिन साथ में शैडो रेस्पाइट साथ में वाउंड बैंडेजिंग और साथ में फेनोमेनल स्टबर्नेस। ब्लेस्ड बाय लाइट हिलगा करेगी इस आयरन क्लैड की पिटाई। शाइनिंग डैश कनेक्ट हुआ, बेचारा कंफ्यूज आ गया है कि अटैक कहां से करे और पिछवाड़ा कहां से रगड़े। ये देखिए दोस्तों, ग्रैब किया उसे, साथ में अप अटैक, उसे सिर्फ पिछवाड़ा रगड़ना आता है दोस्तों और कुछ नहीं। लेकिन वो जानता नहीं है कि मेरी हेलगा ही उसे हराएगी, मेरी हेलगा ही सबकी प्यास बुझाएगी दोस्तों, कैंपर्स की खास करके। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से रगड़ रहे हैं। यहाँ पे ग्रैब किया मैंने उसे, साथ में हैवी अटैक। उप्स, यहाँ पे अगर शाइनिंग डैश कनेक्ट हो जाता तो ये आयरन क्लैड उसी समय खत्म हो जाता। यहाँ पे स्पिनिंग अटैक और एक हैवी, और जी हाँ दोस्तों ये कैंपर की हवा निकल चुकी है। थोड़ा सा उप्स कर देते, नहा लेगा। चलिए दोस्तों वीडियो खत्म होने वाला है, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।